नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां आसपुर विधानसभा क्षेत्र में साबला ब्लॉक के मंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बेरोजगार संघ के विद्यार्थी, मित्र पंचायत सहायक, कंप्यूटर टीचर आदि ने मंत्रणा की और कांग्रेस सरकार में लगाए गए इन सभी संविदा कर्मियों को स्थायित्व देने हेतु अनुरोध किया। इस अवसर पर विद्यार्थी मित्र के साबला ब्लॉक के प्रवक्ता राजेश चौबीसा, ब्लॉक संरक्षक चंद्रकांता पांड्या, ब्लॉक उपाध्यक्ष किशोर सिंह राठौर, परेश कुमार द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रवक्ता राजेश चौबीसा ने बताया कि सर्वप्रथम हम सीएम अशोक गहलोत व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का धन्यवाद व अभिनंदन अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे विद्यार्थी मित्र व पंचायत सहायक का मुद्दा अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया व आगे भी चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमें स्थायी किया जावे। उन्होंने कहा, वसुंधरा सरकार ने कुछ विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक के रूप में लगाया है और कुछ बच गए हैं। जो विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो रह गए हैं, उन सभी को स्थायित्व किया जाए और सबको राजकीय सेवा में सम्मिलित किया जाए, तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान वेतन दिया जाए। इस अवसर पर विद्यार्थी मित्र जो पंचायत सहायक के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, उन्हें बाकी अपने बचे साथियों और उन सभी राजकीय सेवा में समायोजित करने हेतु मांग रखी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए संवाददाता प्रफुल्ल चौबीसा की खास रिपोर्ट। सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था, मैं चाहता हूँ कि सरकार वह पूरा मतलब कर दे। जो भर्ती है कोर्ट में अटकी हुई है, वही सरकार जल्दी से जल्दी देरी करके पूर्ण मतलब करे। घोषणा पत्र में जो दिया उसके अनुरूप ही सरकार पूरा कार्य करे, जैसे को नियमितकरण और पंचायत सहायक को नियमितकरण किया। आप क्या कहना चाहोगे? घोषणा पत्र में जो सरकार ने जो वादा किया है उसे पंचायत सहायक के तौर पे जो परमानेंट करने का बोला है उसे पूरा करें। आप बोलो, आपकी कोई? मैं वर्तमान में जो सरकार है, सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी को हमारे घोषणा पत्र में जो उल्लेख किया है, उनके लिए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में ही पंचायत सहायकों का स्थायीकरण किया जाए और हमारे वंचित भाई विद्यार्थी मित्र हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए। अरे तुम्हें मेरी हमें हम छोड़े लो हम बात कर। मैं डूंगरपुर जिला अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, हमारे विगत 10 वर्षों से संघर्षरत विद्यार्थी मित्र जो विगत 10 वर्षों से नियमितकरण की मांग को लेकर आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने घोषणा पत्र में इस जायज मांग को लेकर नियमितकरण की जो बात की है, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि हमें लोकसभा चुनाव से पहले अतिशीघ्र जो है जल्द से जल्द नियमित करने की मतलब जो बात आपने कही, हमें नियमित करावें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि आपने जो बात हमें कही है नियमित करने की, आप जल्द से जल्द इस उचित मांग को पूरा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।